नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए लूसेंट जीके की मास्टर सीरीज का पार्ट नंबर 5 लेकर आ गए हैं। याद रखना, हमने आप लोगों के लिए लूसेंट जीके का निचोड़ करके 1000 नए प्रश्नों का संग्रह तैयार कर रखा है, जो आने वाले सभी एग्जाम्स जिस एग्जाम में जीके आते हैं, जैसे रेलवे एग्जाम, SSC या कोई भी एग्जाम है, स्टेट लेवल पर कोई भी एग्जाम है, CTET, स्टेट RTET या फिर बैंक का एग्जाम, फोर्स का एग्जाम, सभी एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही फायदेमंद रहने वाले हैं, बहुत ही यूजफुल रहने वाले। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और आपसे रिक्वेस्ट है प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर, ताकि जो भी आपके डाउट है साथ में ही क्लियर होते चले जाएं। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें। डेली क्विज और PDF के लिए आप लोग गुरुकुल अकेडमी के टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, वहां से आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। का नंबर वन ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी SSC एग्जाम्स की तैयारी को मजबूत बनाने के लिए कुछ नए बैच लेकर आया है। फ्रेंड्स याद रख रहे हैं, इस बैच में SSC का पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा। लाइव क्लास के द्वारा आप लोग देश के टॉप एजुकेटर के साथ पढ़ सकते हैं और अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। फ्रेंड्स याद रखना, आपको मिलेंगे सब्ट्रैक्टेड कोर्स आपके शेड्यूल के हिसाब से, लाइव क्लास अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट करने का मौका इसी के साथ अनअकैडमी पे कनेक्ट किए जाते हैं। लाइव टेस्ट, क्विज और फ्री एनालिसिस सेशन आपको हर टेस्ट और क्विज का मिलेगा, एक डिटेल एनालिसिस और स्पेशल PDF नोट्स हर लेक्चर के बाद। आप अपने फेवरेट टीचर की क्लास को डाउनलोड करके बाद में भी देख सकते हैं। अनअकैडमी पे इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु के साथ कुल 12 अलग भाषाओं में क्लास कनेक्ट होती है। इन सभी बेनिफिट्स के साथ आपको मिलते हैं देश के टॉप एजुकेटर के साथ कुछ टॉप बैच हर हफ्ते, जैसे वाईफाई स्टडी का चैलेंजर्स बैच, CET एग्जाम के लिए ब्रह्मास्त्र बैच, SSC CGL के लिए एग्जाम क्रैकर बैच। ये सभी बेनिफिट्स आपको मिलेंगे सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन में। एक साल के सब्सक्रिप्शन में अगर आप एक और महीने को ऐड करेंगे तो उतने ही अमाउंट में आपको मिलेंगे, आपको मिलेगा एक और साल का सब्सक्रिप्शन। तो आज ही आप लोग सब्सक्राइब करें अकेडमी प्लस पर और इनसे बेनिफिट्स का लाभ उठाएं। जी फ्रेंड्स, अगर आप लोग यूज करेंगे मेरा अनलॉक कोड गुरुकुल, इसके माध्यम से मिलेगा आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। तो फ्रेंड्स जल्दी से आप लोग ज्वाइन करेंगे, ये डिस्काउंट वैलिड है कुछ ही दिनों के लिए, तो आज ही सब्सक्राइब करें अकेडमी प्लस पर। तो फ्रेंड्स सभी लिंक और मेरा जो रेफरल कोड है वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ है, तो अभी से ही फ्रेंड्स आप लोग ज्वाइन करेंगे। तो चलेगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण कोलन में किसके द्वारा होता है। मोस्ट वीवी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विटामिन वाले क्वेश्चन आजकल हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण कोलन में किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है, यानी बी रहेगा राइट आंसर, बैक्टीरिया। विटामिन के का केमिकल नेम होता है फिलोक्विनोन, याद रखना। नेक्स्ट है, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखना आप लोग 14 नवंबर को मनाया जाता है विश्व मधुमेह दिवस, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर, 14 नवंबर याद रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा किस वर्ष मिला, किस वर्ष मिला मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा, तो 1972 में, 1972 में मिला मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा, तो सी रहेगा राइट आंसर, 1972। नेक्स्ट है, पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं, किस शैली में निर्मित हैं, तो नागर शैली में, यानी ए होगा राइट आंसर, नागर शैली। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का प्रथम सत्याग्रही किसको चुना, किसको चुना, विनोबा भावे को चुना महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह, याद रखना आप लोग, ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर, महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का प्रथम सत्याग्रह चुना था विनोबा भावे को, ठीक है, बी रहेगा फ्रेंड्स राइट आंसर। नेक्स्ट है, हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है। जब आप लोग एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो कम से कम इस वीडियो से आप लोग 4 से 5 क्वेश्चन पाएंगे। हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है, तुंगभद्रा के तट पर, तो डी रहेगा राइट आंसर, तुंगभद्रा। नेक्स्ट है, भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य कौन करती है, तो फ्रेंड्स सेबी करती है, जी हाँ याद रखना आप लोग, कौन करती है, सेबी करती है, फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, तो फ्रेंड्स 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, 31 अक्टूबर। नेक्स्ट है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 27 सितंबर को मनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर,
27 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, देश का पहला विधि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था, कहाँ स्थापित हुआ था? जी फ्रेंड्स, चेन्नई में स्थापित हुआ था देश का पहला विधि विश्वविद्यालय, यानी ए होगा राइट आंसर, चेन्नई, याद रखना। नेक्स्ट है, अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है, अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है, किसमें? 13वें अभिलेख में, यानी डी रहेगा राइट आंसर, 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। नेक्स्ट दिया है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? जी हां, इब्राहिम लोदी था दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक, यानी ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट है, बिना अपील बिना वकील बिना दलील का कानून किसको कहा गया, किसको कहा गया? रोलेट एक्ट को कहा गया, बिना अपील बिना वकील तथा बिना दलील का कानून, यानी ऑप्शन डी रहेगा राइट आंसर, रोलेट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, तानसेन का मकबरा कहां पर है, कहां पर है? तो ग्वालियर में है तानसेन का मकबरा, यानी डी होगा राइट आंसर, ग्वालियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, करीबा बांध किस नदी पर स्थित है, जल्दी से आंसर देंगे। जी हां, जाम्बेजी नदी पर स्थित है करीबा बांध, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई, किस वर्ष? 1953 में हुई थी संगीत नाटक अकादमी की स्थापना, बी रहेगा राइट आंसर, 1953। नेक्स्ट है, चौगान खेल का आधुनिक रूप क्या है, चौगान खेल का आधुनिक रूप है पोलो, यानी सी रहेगा राइट आंसर, याद रखना आप लोग। नेक्स्ट है, अमरावती बौद्ध स्तूप किस राज्य में है, बताएंगे किस राज्य में? तो फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश में है अमरावती बौद्ध स्तूप, यानी ए रहेगा राइट आंसर, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सोना का लैटिन नाम क्या है, सोना का लैटिन नाम है ओरम, क्या नाम है? ओरम है सोना का लैटिन नाम, तो डी हो जाएगा राइट आंसर, ओरम, याद रखना। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध चित्र बाज के चित्रकार कौन थे, प्रसिद्ध चित्र बाज के चित्रकार कौन थे? तो उस्ताद मंसूर थे, यानी ए रहेगा राइट आंसर, उस्ताद मंसूर। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय को किसने राजा की उपाधि दी, किसने? अकबर द्वितीय। राजा राम मोहन राय को किसने, किसने? अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दी थी, राजा राम मोहन राय को, यानी ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर, अकबर द्वितीय। नेक्स्ट है, सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो फ्रेंड्स, 7 सदस्य होते हैं सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के, यानी सी होगा राइट आंसर, 7। नेक्स्ट है, परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करेंगे। परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? मुख्य चुनाव अधिकारी होता है, यानी ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, भूटान की संसद को क्या कहा जाता है? तो भूटान की संसद को कहा जाता है फ्रेंड्स, त्योंगसु, डी होगा राइट आंसर, त्योंगसु कहा जाता है भूटान की संसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, देखिए, स्काउट की स्थापना किसने की थी? तो स्काउट की स्थापना की थी वेडन पावेल ने, वेडन पावेल ने की थी स्काउट की स्थापना, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, वेडन पावेल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, वेदों की ओर लौटो किसने कहा, वेदों की ओर लौटो किसने कहा, किसने कहा? दयानंद सरस्वती ने कहा था वेदों की ओर लौटो, बी होगा राइट आंसर, दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो नई दिल्ली में है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ए होगा राइट आंसर, नई दिल्ली। नेक्स्ट है, लेब्राडोर जलधारा किस महासागर में है, किस महासागर में है? अटलांटिक महासागर में है लेब्राडोर जलधारा, ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर, याद रखना फ्रेंड्स की लेब्राडोर जलधारा किस महासागर में है, अटलांटिक महासागर में है। नेक्स्ट है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है, तो देहरादून में है फ्रेंड्स भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय, बी होगा राइट आंसर, देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ब्लैक हिल पहाड़ियां किस देश में है, किस देश में? यूएसए में है ब्लैक हिल पहाड़ियां, यानी ए होगा राइट आंसर, यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, देखिए,
हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो फ्रेंड्स ये क्वांटोसोम कहलाती है, ठीक है ना, क्वांटोसोम कहलाती है हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई, तो डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को कौन पृथक करता है? कौन करता है पृथक? वृक्क करता है, सी रहेगा राइट आंसर, वृक्क याद रखना। नेक्स्ट है, पीच ब्लेंड से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त होता है? तो फ्रेंड्स यूरेनियम प्राप्त होता है पीच ब्लेंड से, यानी डी होगा राइट आंसर, यूरेनियम याद रखना। नेक्स्ट है, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, 8 सितंबर को मनाया जाता है विश्व साक्षरता दिवस, ए होगा राइट आंसर, 8 सितंबर। नेक्स्ट है, मगध का प्रथम राजवंश कौन था? जी फ्रेंड्स कौन था? हरियंक वंश था मगध का प्रथम राजवंश, ए होगा राइट आंसर, हरियंक वंश। नेक्स्ट है, आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद को किसके द्वारा बनवाया था? किसके द्वारा बनवाया गया था? शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था, सी होगा राइट आंसर, शाहजहां। नेक्स्ट है, इंडियन मिरर पत्र के संपादक कौन थे? जी फ्रेंड्स केशव चंद्र सेन थे इंडियन मिरर पत्र के संपादक, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, केशव चंद्र सेन। नेक्स्ट है, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? कब पारित हुआ था पिट्स इंडिया एक्ट? जी हाँ याद रखना, 1784 में, 1784 में पारित हुआ था पिट्स इंडिया एक्ट, ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? जी फ्रेंड्स कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, सी होगा राइट आंसर, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, संविधान की किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद के बारे में चर्चा है? किसमें है? अनुच्छेद 74 में है मंत्रिपरिषद के बारे में चर्चा, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, आर्टिकल 74। नेक्स्ट है, मरे डार्लिंग नदी के किनारे कौन सा देश है? कौन सा देश है मरे डार्लिंग नदी के किनारे? तो ऑस्ट्रेलिया है, ए रहेगा राइट आंसर यहां पर, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, प्रकृति में कौन सा कार्बनिक यौगिक की मात्रा सबसे अधिक है? तो फ्रेंड्स प्रकृति में सेलुलोज यौगिक की मात्रा सबसे अधिक है, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, कौन से कार्बनिक यौगिक की? सेलुलोज की, बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, मैन ऑफ डेस्टिनी किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है मैन ऑफ डेस्टिनी? तो नेपोलियन को कहा जाता है मैन ऑफ डेस्टिनी, ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, नेपोलियन। नेक्स्ट है, नील दर्पण के लेखक कौन है? जी फ्रेंड्स कौन है? दीनबंधु मित्रा है नील दर्पण के लेखक, सी होगा राइट आंसर, दीनबंधु मित्रा। नेक्स्ट है, शेरे कश्मीर किसको कहा जाता है? शेर ए कश्मीर किसको कहा जाता है? शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को कहा जाता है, शेर ए कश्मीर, ए होगा राइट आंसर, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, ठीक है। नेक्स्ट, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? जी हां, आरती साहा है इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला, बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, आरती साहा। नेक्स्ट है, उत्तर रामचरित के लेखक कौन है? जी हाँ बहुभूति हैं, उत्तर रामचरित के लेखक, डी होगा राइट आंसर, रामचरित मानस के लेखक तुलसीदास हैं। नेक्स्ट है, कांग्रेस ने गोलमेज की किस बैठक में भाग लिया? तो कांग्रेस ने गोलमेज की केवल दूसरी बैठक में भाग लिया था, यानी बी होगा राइट आंसर, केवल दूसरी, ठीक है। नेक्स्ट है, दल बदल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन द्वारा पारित हुआ था? कौन सा संशोधन? 52वां संशोधन, बी होगा राइट आंसर, 52वां संशोधन याद रखना। नेक्स्ट है, माओरी जनजाति का निवास स्थान कहाँ है? तो न्यूजीलैंड में है माओरी जनजाति का निवास स्थान, ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखना, शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है, यानी डी रहेगा राइट आंसर, सासाराम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, चरक किसके प्रसिद्ध दरबारी वैद्य थे? किसके थे? कनिष्क के दरबारी वैद्य थे चरक, यानी ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, कनिष्क याद रखना, ठीक है।
नेक्स्ट है वंदे मातरम को किसने लिखा है, किसने लिखा है वंदे मातरम को, तो फ्रेंड्स बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, यानी बी होगा राइट आंसर, बंकिम चंद्र चटर्जी बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, किस क्षेत्र में, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, डी होगा राइट आंसर फिल्म। ठीक है नेक्स्ट है भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित है, कितनी निर्धारित है, 18 वर्ष निर्धारित है भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर 18 वर्ष। नेक्स्ट है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी, किस वर्ष हुई थी, 1897 में हुई थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना, ए रहेगा राइट आंसर 1897। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया, तो याद रखना कौन सा, 44वां संशोधन, यानी डी होगा राइट आंसर 44वां संशोधन। नेक्स्ट है श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है, किसके तट पर, झेलम नदी के तट पर स्थित है श्रीनगर, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर झेलम नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हवाई जहाज का निर्माण किसने किया था, जी हाँ फ्रेंड्स राइट ब्रदर्स ने किया था हवाई जहाज का निर्माण, यानी सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर राइट ब्रदर्स। नेक्स्ट है वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है, तो सौरमंडल कहलाती है, वायुमंडल की सबसे निचली परत, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है, किस पर, श्रावती नदी पर स्थित है जोग प्रपात, यानी ए होगा राइट आंसर। प्लीज कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर जरूर देना, आपके लिए क्वेश्चन होमवर्क के लिए कि जोग प्रपात किस राज्य में है, किस राज्य में, प्लीज कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर जरूर देना। नेक्स्ट है दिल्ली स्थित जामा मस्जिद को किसने बनवाया था, किसने बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था दिल्ली स्थित जामा मस्जिद को, यानी ऑप्शन बी होगा राइट आंसर शाहजहां। नेक्स्ट है तीसरी बोध सभा का आयोजन किसके शासनकाल में किया गया था, किसके शासनकाल में किया गया था, तो ये किया गया था अशोक के शासनकाल में, ठीक है ना, तीसरी बोध सभा का आयोजन किया गया था अशोक के शासनकाल में, डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है भारत में बैंकिंग सेक्टर किसके द्वारा संचालित होता है, किसके द्वारा संचालित होता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा संचालित होता है भारत में बैंकिंग सेक्टर, ए रहेगा राइट आंसर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है भाषाओं का संबंध संविधान की किस अनुसूची से है, किस अनुसूची से है, तो 8वीं अनुसूची से है भाषाओं का संबंध, यानी ऑप्शन डी होगा राइट आंसर 8वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा विषय को राज्य सूची से संवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया, कौन सा संशोधन, 42वां संशोधन के द्वारा शिक्षा विषय को राज्य सूची से संवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया, यानी ऑप्शन डी होगा राइट आंसर 42वां संशोधन। नेक्स्ट है पोलियो टीका को सर्वप्रथम किसने तैयार किया था, जी हाँ जोनास साल्क ने तैयार किया था पोलियो टीका को, यानी फ्रेंड्स ये रहेगा राइट आंसर जोनास साल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध चार मीनार कहाँ स्थित है, कहां पर, हैदराबाद में स्थित है प्रसिद्ध चार मीनार, यानी ऑप्शन डी होगा राइट आंसर हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है पलासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था, किस वर्ष हुआ था, तो फ्रेंड्स 1757 में हुआ था पलासी का युद्ध, यानी ए रहेगा राइट आंसर 1757। नेक्स्ट है भारत का सबसे अधिक चाय उत्पादक राज्य कौन सा है, कौन सा है, असम है भारत का सबसे अधिक चाय उत्पादक राज्य, यानी ए होगा राइट आंसर असम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, सबसे बड़ा शहर इंदौर है मध्य प्रदेश का, यानी बी रहेगा राइट आंसर इंदौर। नेक्स्ट है बृहदेश्वर मंदिर कहां पर स्थित है, कहां स्थित है, तंजौर में स्थित है बृहदेश्वर मंदिर, यानी ए होगा राइट आंसर तंजौर।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारत के मुख्य न्यायाधीश को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है? कौन दिलाता है? जी हाँ, राष्ट्रपति दिलाता है। कॉन्फ्रेंस राष्ट्रपति दिलाता है भारत के मुख्य न्यायाधीश को उनके पद की शपथ। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, राष्ट्रपति। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं, मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े जी। ठीक है, नेक्स्ट है, ब्लड कैंसर को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से? तो फ्रेंड्स, ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है ब्लड कैंसर को। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, ल्यूकेमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जी हाँ, याद रखना, जे जे थॉमसन ने की थी इलेक्ट्रॉन की खोज। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, जे जे थॉमसन के द्वारा की गई थी इलेक्ट्रॉन की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कौन सा अनुच्छेद हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा घोषित करता है? कौन सा अनुच्छेद करता है? तो अनुच्छेद 343, आर्टिकल 343 करता है हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा घोषित, यानी ऑप्शन डी रहेगा राइट आंसर, आर्टिकल 343। नेक्स्ट, समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? किस यंत्र का? फैदोमीटर का प्रयोग किया जाता है समुद्र की गहराई मापने के लिए। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, फैदोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एयरफोर्स वन जहाज में कौन यात्रा करता है? कौन यात्रा करता है? अमेरिका के राष्ट्रपति यात्रा करते हैं एयरफोर्स वन जहाज में, यानी ए होगा राइट आंसर, अमेरिका के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, रामचरित मानस के लेखक कौन है? तो तुलसीदास हैं रामचरितमानस के लेखक। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है फ्रेंड्स। फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था किसने? अकबर ने करवाया था, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम संस्थान कहाँ स्थित है? तो पुणे में है भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम संस्थान, यानी ए होगा राइट आंसर, पुणे में। ठीक है, नेक्स्ट है, सुपरनोवा क्या है? क्या है सुपरनोवा? सुपरनोवा एक विस्फोटी तारा है। क्या है? एक विस्फोटी तारा, यानी ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, बौद्धों का प्रसिद्ध तीर्थ केंद्र कुशीनगर किस राज्य में है? किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश राज्य में है बौद्धों का प्रसिद्ध तीर्थ केंद्र कुशीनगर, यानी सी होगा राइट आंसर, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ मुख्य रूप से किस लिए प्रसिद्ध है? किस लिए? ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है अलीगढ़, यानी बी होगा राइट आंसर, ताला। नेक्स्ट, कुतुब मीनार को किसने बनवाया था? कुतुब मीनार को किसने बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था कुतुब मीनार को। ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट है, भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, सिविलो फ्राफर्ड वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करेंगे। देखिए, भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो फ्रेंड्स, संस्कृत है भारत की सबसे प्राचीन भाषा। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, संस्कृत। नेक्स्ट है, चंडीगढ़ किन दो राज्यों की राजधानी है? किन दो राज्यों की? पंजाब और हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, यानी सी होगा राइट आंसर, पंजाब और हरियाणा। नेक्स्ट है, तिरुपति किस पहाड़ी पर स्थित है? किस पहाड़ी पर? तो फ्रेंड्स, शेषाचलम की पहाड़ी पर स्थित है तिरुपति। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, शेषाचलम की पहाड़ी। सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, सवाई मानसिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो जयपुर में है सवाई मानसिंह स्टेडियम। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, जयपुर, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम विद्युत रेल मार्ग कब खोला गया था? कब खोला गया था? 1925 में, 1925 में खोला गया था भारत में प्रथम विद्युत रेल मार्ग। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, वियतनाम की राजधानी कहाँ है? कहाँ है? हनोई में है वियतनाम की राजधानी। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, हनोई। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था? जी हाँ, याद रखना आप लोग, मद्रास में स्थापित किया गया था भारत में पहला नगर निगम, यानी ए होगा राइट आंसर, मद्रास।
नेक्स्ट है, श्रीनगर किस नदी के तट पर बसा है? किसके तट पर बसा है श्रीनगर? तो ये झेलम नदी के तट पर बसा है। ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, झेलम नदी। नेक्स्ट है, आईटी का विस्तृत रूप क्या है? आईटी का विस्तृत रूप क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी ए रहेगा राइट आंसर, ठीक है ना। आईटी का विस्तृत रूप है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? कौन? इंदिरा गांधी बनी थी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, यानी फ्रेंड्स डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट किस महीने में पेश किया जाता है? किस महीने में? फरवरी महीने में पेश किया जाता है केंद्रीय बजट। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, फरवरी। नेक्स्ट है, चंद्रहास तलवार किसका मुख्य हथियार था? किसका मुख्य हथियार था? रावण का मुख्य हथियार था चंद्रहास तलवार, यानी ए होगा राइट आंसर, रावण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जापान की मुद्रा क्या है? क्या है जापान की मुद्रा? येन है जापान की मुद्रा। ऑप्शन डी रहेगा राइट आंसर, येन। नेक्स्ट है, कुनैन किससे प्राप्त किया जाता है? कुनैन सिनकोना से प्राप्त होता है। किससे? सिनकोना से प्राप्त होता है कुनैन। ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, रक्त समूहों की खोज किसने की थी? किसने की थी फ्रेंड्स रक्त समूहों की खोज? तो ये की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। सी होगा राइट आंसर, कार्ल लैंडस्टीनर। तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस जो अभी कंप्लीट हो चुके हैं। अगर कोई डाउट है शेयर कीजिएगा, सभी के डाउट्स नेक्स्ट क्लास में क्लियर किए जाएंगे। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करेंगे। जो लोग पहली बार यहाँ आए हैं, जल्दी से आप लोग फटाफट चैनल सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लेंगे और अपने एग्जाम की तैयारी को अच्छे से आगे बढ़ाएंगे। चलिएगा फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।